हेलो हाय आय हाय, मैं आ गई हूँ आपके पास अपने खूबसूरत से चेहरा लेके, खूबसूरत सी सुबह लेके। ऑन द वे हूँ, जा रही हूँ ऑफिस, और थोड़ी सी बुखार में हूँ क्योंकि मुझे वापस से 2 दिन से फीवर आ रहा है। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन एंड पता नहीं कब ठीक होगा। वेल एक्सेप्ट दैट कल का दिन तो मैं पूरा सो रही थी बिकॉज यस्टरडे वॉज माई ऑफ, वॉज एल, वॉज इन फीवर, तो दवाई खा के पूरा टाइम सो ही रही थी मैं, कुछ ज़्यादा स्पेशल किया नहीं। और आज देखते हैं, आज काफ़ी ज़्यादा काम है तो आज का दिन आई होप मेरा अच्छा हो। और एक दिन आराम करने के बाद ज़्यादा थकान लगती है, एक दिन आराम करने के बाद इतने दिनों बाद छुट्टी मिली थी तो ऐसा लग रहा था आई डोंट नो कि कितना मतलब सोऊं और क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि बहुत सारे काम भी थे, हेयर वॉश करना था, ये वो, सो मैनी थिंग्स। तो इसके लिए खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया सो के। यहाँ पे रीना का अपना काम चालू है, से हाय। हाय एवरीवन। तो रीना अपने काम में लगी पड़ी है एज यूजुअल। रीना का अपना चलता रहता है, रीना का फोन, रीना का वरुण, रीना का सिम्बा और रीना, और फिर उसके लाइफ में सारा आ गई है ना रीना। यस, आई एम सो ग्लैड। ओह, आई लव हर सो मच, so much. I love you, Reena. I love you too, Sarah. Yes. तो नजर मत लगाना, माशाल्लाह बोला हमारी दोस्ती को। ओके, सो अभी मैं, पता है आप लोगों को एक चीज बताती हूँ, मेरी बकचोदी चालू करती हूँ थोड़ी सी। कितना अच्छा लग रहा है ना मेरे बालों पे, ये सूरज कलर दिख रहा है मेरे बालों का। हाय, वैसे पहले से मुझे ना सूरज बहुत ज्यादा पसंद है, वो सन किस होता है ना वाला। रीना ने कल मुझे जो समझाया है ना कि ऐसा मत कर सारा, वैसा मत कर सारा, रीना ने सब कुछ समझाया मुझे, ज्यादा गुस्सा मत कर, कुछ होगा तो मेरे पास, हाँ मैं देखती हूँ, मैं तेरे को बताती हूँ क्या बोलना है क्या करना है। उसे थोड़ा सा मेरे दिमाग में गया है, मैंने एक चीज सोची है कि मैं भी बहुत काम रहूंगी, मैं गुस्सा नहीं करूंगी रीना, राइट? यस, आई अप्रिशिएट दैट। मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल हाइपर नहीं होंगी, मैं बिल्कुल नहीं चिल्लाऊंगी, और मैं हर चीज़ एकदम आराम से बिना हाइपर हुए डील करूंगी, क्योंकि मेरी हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है जस्ट बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हूँ, हाइपर हो जाती हूँ, तो इसकी वजह से। सो नाउ आई स्टॉप येलिंग, आई स्टॉप शाउटिंग, आई स्टॉप रिएक्टिंग एवरीथिंग, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिसकी वजह से मेरे हेल्थ पे इफेक्ट है। तो आई टेक थिंग्स वेरी यू नो, आराम से, शांति से। ऑल्सो आज मैंने सोचा था कि रीना को बोलती हूँ रात को कि रीना चल अपन जाते हैं, तो विल गो बाय ट्रेन, बट पहले ही रीना का फोन आ गया एंड शी सेड कि मैं कैब बुक कर रही हूँ कल, एंड यू नो सेम टाइम पे मिलना, ऐसा वैसा ये वो। भाई मुझे तो ऐसा लगता है ना, जितना कमा रही हूँ सारा कैब में ही डाल देगी रीना। We are investing in our health. अच्छा ठीक है, हेल्थ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हेल्थ तो फिर भी सुधर नहीं रही रही ना, बिगड़ भी नहीं रही ना। जवाब देते सब मुंह उठा के जवाब देती है। I'm learning from you, Sarah. अच्छा, ऐसी चीजें सीखो मुझसे, मुंह उठा के जवाब देना। Yeah, I've become a little bold because of you. And I'm becoming calm because of you. I'm becoming so calm. ये शांति से, इसका शांति से, जो शांति से ये औरत जवाब देती है ना, उसकी सारी शांति मैंने सीख ली है। मेरी वजह से ये एग्रेसिव हो रही है अभी, इसकी वजह से मैं शांत हो रही हूँ। I don't know what's going on. Yeah, this is love, baby, the love. We are influencing each other. Yeah, exactly. एक कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा एक्सचेंज हुई हम लोगों में चीजें, समझ नहीं आया बहुत, लेकिन अच्छी बात है कुछ चेंजेस आया है ना। Tell them how we met. Yeah, how we met. Okay, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम कैसे मिले। आप लोगों को याद होगा कि मैं व्यूअर जाती थी, तो मैं आप लोगों को बोलती थी कि मैं कुछ काम से आई हूँ, मैं कोई मीटिंग में आई हूँ, तो मैं तब रीना को नहीं जानती थी। और एक दिन जाके मैं रीना के बाजू में बैठ गई एंड हमारी मीटिंग चल रही थी। मीटिंग खत्म होने के बाद मैं और यू नो इंस्टेंटली मुझे रीना ने पूछा, व्हाट्स योर नेम? आई सेड माय नेम इज सारा, एंड हम सारे लोग जितने थे रीना ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया
एंड उसके बाद दरीना ने ना मुझे मेन्यू देना चालू कर दिया कि यहाँ पे खाना मिलता है, यहाँ पे ये मिलता है, यहाँ पे वो मिलता है, इफ़ यू नीड समथिंग प्लीज कम टू मी आई विल हेल्प यू. एंड मुझे सबके साथ में बैठ के यू नो मैं रीना ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, वो जहाँ जाती थी मुझे लेके जाती थी. एंड उसके बाद यार गाइस ये हुआ सबसे बड़ा इंसिडेंस ये हुआ कि हम दोनों एक ही जगह रहते थे. एंड वो जान के मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा था क्योंकि मुझे कंपनी मिल गई थी आने जाने के लिए. लेकिन जब मैंने सुना तो मैं थोड़ी सी शॉक्ड हो गई कि बस से यार इतना कौन ट्रैवल करेगा, चार चार घंटा बैठेगा वर्ली जाने के लिए. तो मैंने रीना, क्योंकि रीना कभी ट्रेन में ट्रैवल नहीं करती थी क्योंकि वो फ्लाइट और प्लेन्स पे ट्रैवल करने वाली यू नो बंदी है. कभी भी मतलब उसने से लोकली ट्रैवल नहीं किया था तो मैंने उसको सजेस्ट किया, मैं बैटरी भी लो गया यार ओके, तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि लेट्स गो बाय ट्रेन. तो मैंने एक दिन रीना को लेके मैं ट्रेन में गई. एंड जब से रीना इतनी खुश हो गई, यार मैं 3 घंटा बस में बैठती थी, ट्रेन से तो मैं पहुंच जाती हूँ फटाफट. एंड उसके बाद हम ट्रेन से जाने आने लगे तो जाने आने में ट्रैवलिंग में इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग हो गई कि रीना मेरे खर्चे उठाने लग गई. और खर्चे भी ऐसे खर्चे होते थे कि यू नो कि मैं वहाँ पहुँचते थे, हम जब हम ब्रेकफास्ट करते थे तो रीना बिल पे करती थी एंड ऑल. तो शी इज़ एक्चुअली बिकम लाइक माई मदर बिकॉज घर में तो माँ है और घर के बाहर एक और माँ है, तो वो एक अच्छा लगता है लाइक यू नो शी केयर फॉर मी लाइक अ मदर. एंड मैं जब भी ऑफिस से निकलती हूँ तो और वो बोलती भी इस तरीके से है ना कि मैं सुन लेती हूँ बिकॉज मुझे अच्छा लगता है और मुझे ऐसा लगता है यार शी इज़ राइट. सो मैं उसके बारे में यू नो बहुत ज़्यादा अच्छा फील करती हूँ और पॉजिटिव फील करती हूँ जब रीना मेरे साथ होती है. तो आई जस्ट वॉन्ट टू से as it is a social media and watching so many people, so Reena, front of everyone I want to say thank you and so I love you so much. I love you too. She is और मैं तो एक चीज कभी नहीं बोलूंगी रीना के बारे में. मैं कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया था जो इतने दिन का गैप था. सो आई वॉज अबाउट टू फेंट बट रीना वॉज द वन जिसने मुझे टैक्सी में डाला एंड वो पूरा टाइम मेरे साथ थी. शी वॉज होल्डिंग माई फेस ताकि मुझे नींद लग जाए. तो वो दादर से लेके गोरेगांव तक उसने मेरा फेस पकड़ के रखा था ताकि मेरा फेस हीले ना टैक्सी में और मुझे नींद लग जाए ताकि मुझे थोड़ा सा ठीक फील हो. तो एक्चुअली मुझे नींद लग गई थी एंड शी केयर्ड फॉर मी लाइक अ मदर. तो वॉट शी हैव डन फॉर मी मेरी लाइफ में ऐसा फिजिकली हेल्प कभी किसी ने किया नहीं है. सो शी इज़ द वन जो मेरी लाइफ में हमेशा मुझे याद रहेगी कि हाँ रीना ने मेरे लिए ये चीज़ किया. सो आई एम रियली ग्लैड कि वो मेरी लाइफ में है. एंड आई योर व्लॉग और माय व्लॉग, इट इज माय व्लॉग बट अबाउट यू, इट्स एनफ नाउ बाय. तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मुझे मेरे जीने के लिए, मेरी लाइफ कंटिन्यू करने के लिए मुझे ये प्यार काफ़ी है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी नहीं है किसी यू नो लव एज इन लव होना या कोई मर्द का प्यार होना या किसी चीज़ का, माँ बाप का और दोस्तों का प्यार भी ज़िंदगी चलाने के लिए भले ही थोड़ा सा दिल मारना पड़े इट्स ओके, बट चलाने के लिए ज़िंदगी काफ़ी होता है. वैलेंटाइंस डे का मेरा प्लान है. भैया ऐसे लेफ्ट लेना था, नहीं नहीं लेफ्ट, नहीं लेफ्ट है, मैंने प्लाजा उधर लिखा है यहाँ पे जाना. ओके थोड़ा थोड़ा रिवर्स लेना, तो शायद हम थोड़ा सा रास्ता भटक गए. ओके तो वैसे व्लॉग में ही कंटिन्यू कर, सॉरी खत्म करती हूँ मैं. आप लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में. ओके थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय. ये है नसीब क्योंकि वैलेंटाइंस डे के बारे में जैसे ही बात करना मैंने शुरू किया हम रास्ता भटक गए. इसीलिए कभी वैलेंटाइंस डे के पीछे मत पड़ना. मैंने कल इतने सारे इंस्टाग्राम पे स्टेटस डाले वैलेंटाइंस डे में लोगों को चप्पल मारूंगी और पानी फेंक के भाग जाऊंगी उनपे, समझे. मेरे आसपास कोई कपल घूमना मत. जैसे ही वैलेंटाइंस डे के बारे में, प्यार के बारे में बात करना शुरू की रास्ता भटक गई रीना. चलो मैं जाती हूँ अभी, बाय.